फुल सिग्नल आ रहे हैं हमें, फुल सिग्नल। अभी है मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के सामने, ये सामने आप जैसे देख रहे हैं। एंड हम आए थे अंदर एक्सप्लोर करने, घूमने, विजिट करने। अभी वो कह रहे ऑनलाइन बुकिंग से एडवांस में करवानी पड़ती है, तो आप लोग आना तो एडवांस से बुकिंग करा के आना, वरना एंट्री नहीं है। तो हम अब किसी और दिन ट्राई करेंगे या देखते हैं, चलते हैं। तो ये है, क्या है जगह का नाम? गिरगांव चौपाटी। तो आए हम यहाँ पे गिरगांव चौपाटी, यहाँ पे खाने पीने की दुकान है। एंड दिस इज द बीच, इट्स एंड बीच। यहीं पे तो आया था वो डेल फिलिप डोसा खाने। सो ये है आपका मेन मरीन ड्राइव पे। एंड मरीन ड्राइव मेरी फेवरेट लोकेशन है पूरे मुंबई में। इससे ज़्यादा सूदिंग कुछ नहीं है ऑब्वियसली यार। पानी मुझे बहुत सूद करता है, सबको ही करता होगा। तो यहाँ आओ, चिल करो। मुंबई में जैसा मर्जी हो, भीड़ हो, कुछ भी हो, ये सीन अच्छा है। हमारे वहाँ साला पिकनिक के लिए पार्क मिलते हैं, यहाँ पे बीच मिलते हैं कम से कम। सब चिल कर रहे हैं बैठ के। तो गाइस अभी हम मरीन ड्राइव आपके मुंबई में, पीछे देख पा रहे हो पूरी मुंबई सिटी दिख रही है। यहाँ पे अभी हम थोड़ा चल कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा खाना खाने जाएंगे। तो उसके बाद हमें आज निकलना है अलीबाग, तो सारी चीज़ें करेंगे, सब कुछ फुल मज़े करने वाले हैं। एंड बस पूरी वीडियो एंड तक देखिए। तो हम खा रहे हैं स्पेशल पाव भाजी मरीन ड्राइव चौपाटी में। चलिए शुरू करते हैं। तो हम टेस्ट करने जा रहे हैं मुंबई की फेमस पाव भाजी। बढ़िया। तो हम आ गए बिल्कुल मरीन ड्राइव के एंड पे, आपके नरीमन पॉइंट पे। चलो आगे देखते हैं। This is the end point from here. Hello. Hello. कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। थोड़ा ऊपर चढ़ के देखते हैं पहले। पहले भी आया था, नरीमन पॉइंट नहीं आया था। मैं यहीं बैठा रहता था पूरे दिन। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, शाम तक बैठे रहो। हम तो पूरी रात बैठे हैं यहाँ पे, कंप्लीट चलती है। बाकी वैसे अलाउड तो नहीं है, बट यहाँ पे आओ और आपसे इतना दारू और रुपये कोल्ड ड्रिंक मिला के कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत बार करा, अभी घर वालों के साथ हूँ, करेंगे वो भी एक बार। अभी तो सिर्फ व्यू एंजॉय करो। बंद क्यों कर दिया? चलता था पहले हम लोग जाए। ये फोटो भी ये देखो, यहाँ मुन्ना भाई पास होता है। ये देखो, ये मांस पकड़ने वाले घूम रहे हैं, ये आपसे 200-500 रुपये ऐट लेंगे। अभी हमें ही पकड़ रहे थे, पता नहीं मेरे साथ जो लड़का था वो तो भग गया। मैं उसकी फ़ोटो खींच रहा था, कह रहा भाई फ़ोटो खींच दो, उससे मांगे वो भग गया। तो ठीक है, ये लोग घूम रहे हैं, इनका ध्यान रखना, वरना 200 रुपये ले लेंगे, वरना फिर भागना पड़ेगा तुम्हें। कर तो कुछ पानी रहे, बाकी चलते हैं आगे। भीड़। तो आ गए हम इंडिया गेट में, मुंबई के ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया। पीछे देखो, एंड हमेशा की तरह यहाँ भीड़ है, चाहे कोरोना हो चाहे कोई मर जाए, यहाँ पे भीड़ नहीं ख़त्म होती। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, फेरीज चलती है यहाँ पे एलिफेंटा केव्स जाने के लिए। अगर आपको एलिफेंटा केव्स जाना है, जो कि मुझे नहीं जाना, तो आप यहाँ से फेरी लेके एलिफेंटा केव जा सकते हैं। टिकट आपको बाहर मिलेगी। एलिफेंटा केव में भी चीज़ें हैं, बोरिंग है बट जैसे ही बोला, जाना बिल्कुल जाना, मेरी मत सुना। तो बोर्ड सिखा दूँ कैसे चलती है। सो ये बोर्ड है, फेरी है वैसे तो। ये फेरी आपको एलिफेंटा ले जाएगी, जाना एंजॉय करना। अभी मैं आपको गेटवे ऑफ इंडिया का एक टाइम वॉक बना। बाकी देखो व्यू, देखो पूरा देखो। थोड़ी देर में निकलेंगे इससे हम अलीबाग M2M फेरी में। थोड़ा 1 घंटा बचा है, 1 घंटा ही टाइम पास कर रहे हैं।